Everyone, welcome back to my channel. If you haven't subscribed my channel yet, just go and subscribe. So today in this video we'll be studying our first chapter of civics, that is development, and we will be covering every topic from NCERT. Plus we will be doing interesting quiz questions and one marker questions at the end of each session. So let's begin with our video now. First of all, before starting the session, I would like to ask you one question, that what do you guys mean by development? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि development आपके लिए क्या है, तो as a student आप लोग शायद ये बोलेंगे कि development हमारे लिए वो है जैसे कि हमको अच्छे education मिल जाए और हम अच्छे से पढ़ लिख जाएं, life में कुछ कर लें, जॉब मिल जाए हमारे लिए, वो हमारे लिए डेवलपमेंट हो गया। या कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हमारे लिए जस्ट लाइक बॉडी की डेवलपमेंट, या हमारा पर्सनल जो फिजिक है उसकी ग्रोथ, वो भी डेवलपमेंट होती है। क्योंकि डेवलपमेंट के अगर हम इंग्लिश वाइज जाएं तो काफ़ी सारे मीनिंग्स हमको मिलेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिविक्स के हिसाब से। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिविक्स के हिसाब से डेवलपमेंट क्या है, या फिर अगर हम बात करें तो हमारे हिसाब से कंट्री की डेवलपमेंट क्या होगी, ग्रोथ जो कंट्री की होती है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो हम जरा आगे बढ़ते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट आप सिविक्स की लैंग्वेज में बताएंगे कि हमारी कंट्री अच्छे से ग्रो कर जाए, हमारी कंट्री में जो बेसिक नीड्स हैं सब लोगों की वो फुलफिल हो जाए, तो वो डेवलपमेंट हो गई। हाँ, एक तरीके से वो एक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाइज, आपका जो स्टैंडर्ड है, अभी आप क्लास टेंथ में है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी डेफिनेशन, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम रेट एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये बिल्कुल करेक्ट बोलता है। क्या है ना कि डेवलपमेंट क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है, ये तो हम सब जानते हैं। बट एक जो डेवलपमेंट हमारे लिए होनी चाहिए वो क्या होती है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, और भी कई सारी चीज़ें आती हैं, फैक्टर्स आते हैं डेवलपमेंट में, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, और हमारी कंट्री का जो सिटीजन्स हैं उनका स्टैंडर्ड है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाए, वो अच्छा हो जाए, है ना, वो भी डेवलपमेंट होती है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी हट जाए, थोड़ी सी कम हो जाए, इलिटरेसी कम हो जाए, लोग लिटरेट हो जाए, क्राइम रेट जो कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है वो कम हो जाए, तो शायद हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी, है ना, शायद क्या ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉट डेवलपमेंट प्रोमिसज डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट हमसे क्या प्रॉमिस करता है, देखो, डेवलपमेंट प्रॉमिसेस अ रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। देखो, रियल ग्रोथ क्या होती है, एक ग्रोथ होती है आपकी बॉडी की, तो वो रियल ग्रोथ की बात यहाँ पे पहली बात तो नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिविक्स के हिसाब से, आपकी स्टडीज के हिसाब से बात हो रही है डेवलपमेंट की। तो यहाँ पे रियल ग्रोथ क्या हो गई, रियल ग्रोथ हो गई आपकी जो इनकम है, हमारे सिटीजन्स की, हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट रहती है इंडिया में, जो वर्क करते हैं लोग, उसमें रियल ग्रोथ आना। यानी कि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसमें बिस्किट्स बनती हैं, तो उसमें आपको 100 पीपल का एम्प्लॉय करना पड़ेगा बिस्किट कंपनी को चलाने के लिए, जो लेबर्स होते हैं जिनको हम वेजेस देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लेबर्स की बात हो रही है, वो यहाँ पे 100 रिक्वायरमेंट है, मगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन देखें तो कितनी है, 130 करोड़, 130 करोड़ लोगों का ये देश है, तो इतनी इनकम है, इतनी पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में 100 लोग, यानी कि 100 पीपल को हायर करना अपनी कंपनी के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना आसान लगता है, मगर उतना है नहीं, क्योंकि और भी ज़्यादा, आप जैसे मान लीजिए ये 100 तो हमने एम्प्लॉय कर लिया अपनी कंपनी में, 20 और आ गए कहीं और से कंपनी में आ गए कि हमको भी काम चाहिए, हमको भी कुछ दे दो, हम आपकी फैक्ट्री में किसी भी तरीके का कुछ भी कर लेंगे, हमें आप जो चाहें जैसी वेजेस दे सकते हो,
उन्होंने अपना एक पर डे का बता दिया कि हम पर डे 50 रुपीज़, 60, 70, 80 इतना लेंगे, तो इस हिसाब से हम आपकी कंपनी में काम कर सकते हैं, आपकी फैक्ट्री में हम काम कर सकते हैं, है ना। तो अब ये क्या हुआ कि जहाँ हमें 100 लोगों की जरूरत थी, वहां पे आ गए कितने टोटल, 120 एम्प्लॉय, कितने हो गए, 120 हो गए। लेकिन उन 120 लोगों का अब क्या होगा, जो 100 पीपल है, अब उसमें कंपनी को जितने 100 लोगों को पैसा देना था वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 20 लोगों को भी उनको वर्क प्रोवाइड करके वेजेस प्रोवाइड करनी है। अगर ये नहीं देते हैं तो फिर उनका प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे मान लो कभी ये, एक तो हमारी कंट्री में रेगुलर वर्क है नहीं है, तो मान लीजिए ये 100 पीपल नहीं आए उस दिन, तो क्या होगा। इसलिए ये 20 पीपल को भी रखना जरूरी है एज अ एक्स्ट्रा, तो इससे हमारा जो स्टैंडर्ड लिविंग का वो कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, वो 20 लोगों में बांटी जा रही है, और है ना। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर होता है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग लोगों के, डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब सबके जैसे गोल तो नहीं हो सकते ना। जैसे एक क्लास है, एक क्लास ले ली हमने, उसमें मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। अब उस 50 स्टूडेंट से हमने सर्वे किया और पूछा कि उनके गोल्स क्या हैं आगे के, उनके गोल्स क्या हैं आगे के, तो उन्होंने क्या बोला। किसी ने बोला मुझको टीचर बनना है, किसी ने बोला मुझको डॉक्टर बनना है, किसी ने बोला मुझको सिविल सर्विसेज करनी है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए। अब सबके यहाँ गोल्स अलग अलग हैं, तो जिस तरीके से इस क्लास में सबके गोल्स अलग हैं, वैसे ही यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल्स भी सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या है आगे, द डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इससे आप बेटर समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड। अब एक लड़की है, वो रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बिलोंग भले करती हो वो, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से हमारे कंट्री में गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है, तो उस हिसाब से देखें तो उसे लगता है कि क्या मेरे ब्रदर को थोड़ा सा ज्यादा छूट मिल रही है और मुझे उस हिसाब से फ्रीडम नहीं मिले जितनी मुझे मिलनी चाहिए। जैसे कि उसका ब्रदर है, वो आगे जहाँ पढ़ना चाहता है वहाँ पढ़ सकता है। कुछ फैमिली जैसी होती हैं कि उसमें गर्ल्स को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको डीमोटिवेट किया जाता है, तो वो चीज़ नहीं चाहती है। वो रिच अर्बन फैमिली की गर्ल की नीड क्या होनी चाहिए कि उस ब्रदर को, उसको अपने ब्रदर की जैसी फ्रीडम मिले, उसको मौका मिले कि वो डिसाइड कर पाए कि उसे क्या करना है अपनी लाइफ में, है ना। उसको अगर आगे पढ़ना है तो वो पढ़ सकती है। तो ये इस गर्ल की नीड है, ये गर्ल की यहाँ नीड है, बट जरूरी थोड़ी है कि जैसे इसकी नीड है वैसे सारी लड़कियों की नीड हो। कुछ लड़की हो सकता है ये चाहती हो, जैसे मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा गार्बेज इकट्ठा हो रहा है किसी जगह पे, तो आप क्या चाहेंगे कि डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं हो रही हमारी कंट्री की। मान लीजिए हर जैसे सोसाइटी में कचरा ऐसा गार्बेज रहेगा अगर, तो कैसे डेवलपमेंट होगी, वो थोड़ी ना डेवलपमेंट में काउंट होगा। कि हर जगह गंदगी है हमारे कंट्री में, तो वो डेवलपमेंट काउंट नहीं होगी। इसलिए आपने सोचा कि उस समय के लिए आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, कि शायद ये गार्बेज इधर से हट जाए, हमारी सोसाइटी थोड़ी नीट एंड क्लीन दिखने लगे, तो उससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो वो ही है कि अलग अलग लोग के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं और सबके गोल्स पीपल टू पीपल वैरी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकम एंड अदर गोल्स। एक गोल तो हो गया इनकम, एक हो गया अदर गोल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इनकम का मतलब होता है मनी, मेटेरियलिस्टिक थिंग। अदर गोल्स का मतलब क्या होता है, जो दूसरे गोल्स भी होते हैं, मतलब मनी से हट के जो गोल्स होते हैं वो। अब कौन कौन से गोल्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट है पीपल प्रेफर टू अर्न मोर इनकम फॉर फुलफिलिंग देयर डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। कंपनीज प्रोवाइड मटेरियल थिंग लाइक मनी। यहाँ पे मटेरियल थिंग क्या है, ये मटेरियल थिंग लाइक मनी, ये पैसा। बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट नॉन मटेरियल थिंग लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब मैं इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है, वो मैं आपको देना चाहूंगी कि आप सोच लीजिए
एक लेबर है, लैंडलेस लेबर है, फार्मर है, या आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, तो उसको अपना वर्क करना है, तो उसको पैसा तो मिल रहा है उस जगह से, मगर उतना रिस्पेक्ट, उतनी सिक्योरिटी, उतना फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कंपनी में एक लेबर को अपॉइंट करना है, तो और एक मैनेजर है, मतलब लेबर्स हैं एक तरफ और एक तरफ मैनेजर है, तो आप रिस्पेक्ट किसको ज़्यादा देंगे? मैनेजर को देंगे, क्योंकि वो आपकी कंपनी को उस टाइम के लिए हैंडल कर रहा है ना, और आप एक लेबर को शायद उतना रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें से इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी की बात रही, तो हो सकता है जो लेबर्स हैं वो बाहर ही एक टेंट में सोते हों, या अपना वहीं पे रहते हों, है ना, उस टाइम के लिए जितने के लिए वो वर्क कर रहे हैं। और एक मैनेजर, एक उसका बढ़िया सा घर होगा, घर में पैसा होगा, वहां पे जाके रहेगा। और फ्रीडम की बात अगर हम करें, तो मैनेजर तो कभी भी जाए कि अरे मैं कंपनी से अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, और मैं इतने दिनों की लीव ले रहा हूँ, या मैं इतने टाइम तक नहीं आऊंगा। वहीं पे एक लेबर, लेबर को छुट्टी चाहिए हो तो नहीं, क्यों छुट्टी, क्यों अभी, क्यों अभी परसों तो ली थी, ऐसा होता है ना। तो वो फ्रीडम उसको कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही, वो जहाँ जाए जब चाहे नहीं जा सकता। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहने के मतलब ये है कि हम पैसा तो सबके पास होता है, मगर नॉन मटेरियल थिंग जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन, काफी सारी चीजें होती हैं, ये हम जो फीलिंग्स होती हैं ये हम दूसरों को नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हमने का जो टॉपिक का नेम है वो भी है इनकम एंड अदर गोल्स। अदर गोल्स का मतलब भी है कि अगर हमारी कंट्री में हम किसी को फ्रीडम नहीं देते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो भी हमारी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है। मटेरियलिस्टिक थिंग के साथ साथ हमें नॉन मटेरियल थिंग की भी बहुत बहुत जरूरत होती है। नाउ सेकंड पॉइंट हमसे क्या कहता है, सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहेंसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटीज। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच एनहेंसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सैलरी तो बहुत कम प्रोवाइड करती है, मगर उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपकी सिक्योरिटी को बहुत इनहेंस कर देता है। जैसे कि हम यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी मैं, कि एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा होता है और एक होता है प्राइवेट जॉब। तो हम किसी से भी अगर सुनेंगे तो आप कहेंगे नहीं नहीं प्राइवेट जॉब इतनी अच्छी नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा अच्छी होती है। गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज देता है, आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है चीज़ें जो आप चाहते हो, जैसे कि आपका गवर्नमेंट जॉब लगा तो वो एक घर प्रोवाइड करेगी, वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि आप एक पर्टिकुलर जगह रह रहे हो, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, प्रॉपर जो एक सोसाइटी में होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। और मगर आपकी सैलरी एज कंपेयर टू अदर थिंग्स वो आपकी कम होगी। वहीं प्राइवेट कंपनीज में अगर आप जाओ तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी, इतनी ज़्यादा सैलरी, मगर क्या होता है वहाँ पे सिर्फ सैलरी ही देते हैं, सिक्योरिटी नहीं देते हैं, आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं। हो सकता है वो कंपनी आपसे कहे कि आप इतने से इतने दिन काम नहीं करोगे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इन अदर केस सम कंपनीज प्रोवाइड हाई सैलरी बट ऑफर नो जॉब सिक्योरिटीज। वही सेम चीज़ जो मैंने अभी इस पॉइंट में समझाई आपको, कि एक होती है प्राइवेट कंपनीज, यहाँ पे हम डिफरेंस अगर देखें इस तरीके से, तो एक होती है प्राइवेट कंपनीज और एक होती है गवर्नमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट जॉब आप करते हो तो वो आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है, वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मगर सैलरी एज कंपेयर टू प्राइवेट बहुत कम देता है। और वहीं प्राइवेट आपको जो सिक्योरिटी है वो तो देता ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कुछ पक्की नहीं है, 50-50 मान लीजिए इसको, 50-50 है, पूरी नहीं है कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट होगी भी कि नहीं होगी। मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का इतना शिकार बनी है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। अभी काफी सारी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाला है, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या देंगे अपने एम्प्लॉयज को, क्या क्या सैलरी देंगे जब उनके पास खुद ही पैसा नहीं आ रहा तो। और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अभी आप जाके अगर आसपास अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब इज बेटर देन प्राइवेट जॉब्स।
हाँ, अब आपकी यहाँ पे मैं किसी का बुरा नहीं कह रही हूँ कि प्राइवेट गलत है या गवर्नमेंट गलत है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। जहाँ पे आपको जाना हो, जिस गोल को आपको अचीव करना हो, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये होता है एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, कि आपको कहाँ सैलरी लेस प्रोवाइड की जाती है, कहाँ आपको हाई सैलरी प्रोवाइड की जाती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटीज कहाँ ज़्यादा होती हैं, कहाँ कम होती हैं। तो वो एक टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। ओके, नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्विज क्वेश्चंस आपको हर सेशन में मिलेंगे। ये क्विज क्वेश्चंस आपके इधर इसलिए रखे गए हैं जिससे आपका जो पहला का रिवीजन है वो अच्छा होता जाए और आपकी जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाए, और एज कंपेयर टू अदर बुकिश थिंग, जैसे कि आप पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं और बीच बीच में कुछ क्विज होते हैं, तो उससे मजा भी आता है, इंटरेस्ट बिल्ड होता है हमारा उस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ऐसे क्विज क्वेश्चन आपको हर सेशन में मिलेंगे। ओके, नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबर। सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होगी लैंडलेस लेबर के लिए? एक्स आपके ऑप्शंस हैं, ए एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, बी मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, सी मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, या डी स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हाई स्कूल। तो इसको आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी इसके क्वेश्चन, इसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं, बात आती है नेशनल डेवलपमेंट पर। नेशनल डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि इस वर्ड को आप टू पार्ट्स में पढ़िएगा, एक होता है नेशनल, एक होता है डेवलपमेंट। तो नेशनल से आपका समझे कि आपके नेशन की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ आपके नेशन की, और डेवलपमेंट लिखा हुआ दूसरी साइड, तो आपका नेशन का डेवलपमेंट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट। अंडरस्टूड? ये बहुत बेसिक चीज थी। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होती है? वो एबिलिटी किसी नेशन की जिससे वो अपने सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाए। जैसे कि उन कैसे इम्प्रूव करेगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने सिटीजन्स का, उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड करके, बेटर सिक्योरिटीज प्रोवाइड करके, बेटर लिटरेसी प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके अपनी पूरी कंट्री में। सबसे पहले तो सबसे पहला ही जॉब यही होता है कि हम किसी कंट्री को, अगर हमें एज अ लिटरेसी वाइज बिल्ड करना है, तो सबसे पहले हमें उसकी एजुकेशन अच्छी करनी होगी, दूसरा उसमें ट्रेनिंग या आपको करिकुलर एक्टिविटीज या अलग अलग जो विजुअलाइजेशन होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन आना पड़ेगा, जिस वजह से हमारी जो लिटरेसी है हमारी नेशन की वो पढ़ सके। वैसे हमारे इंडिया में काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, बट अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर से बेस्ट हो सकता है। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज दिस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन डिपेंड अपॉन देयर पर कैपिटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लिटरेसी रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा। बिल्कुल करेक्ट थिंग आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज मिल गई है। टू पॉइंट्स आपको मिल गए, एक डेफिनेशन और आपको एक दूसरा पॉइंट में मिल गया। क्या कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड करती है उनके पर कैपिटा इनकम पे, जीडीपी पे डिपेंड करती है। जीडीपी कम होगा तो डेवलपमेंट कम होगी, डेवलपमेंट कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, लिटरेसी रेट हाई होगा तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एक्सेट्रा। अब हेल्थ तो ठीक है, लिटरेसी हमने कर ली, लिटरेसी हमने कर ली, जीडीपी बढ़ा लिया और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा ली। अगर हम हेल्थ को प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हेल्थ फैक्टर्स या फिर डिसीजेज या जो हेल्थ केयर हमारा सिस्टम है वो अच्छा नहीं रहेगा, जिससे हमारे जो सिटीजन्स हैं या हमारे कंट्री के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उनको अच्छी तरीके से हेल्थ फैक्टर्स या हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो
तो इस वजह से जो स्टैंडर्ड है वो हमारा डाउन हो सकता है, और बिना हेल्थ केयर सिस्टम्स या बिना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स के कोई भी कंट्री आगे ग्रो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जिस पे आप लिख सकते हो। अगर ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन या फिर डिटेल में आया लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इस पे थोड़ा लाइंस लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपने लिख दिया डेफिनेशन के बारे में, सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ सकता है, थर्ड पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो पर कैपिटा इनकम को बढ़ा के हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सकते हैं, जीडीपी बढ़ा के कैसे बढ़ा सकते हैं, लिटरेसी रेट बढ़ा के कैसे लिटरेसी रेट को बढ़ा के हम कैसे अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज या फिर हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ा के हम अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपके 4 to 5 points कवर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दीज फैक्टर्स ऑल्सो कंसिडर एज मेजर ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा स्कोप रहता है या सबसे बड़ा हाथ रहता है किसी भी नेशन को डेवलप करने में। नेक्स्ट आता है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज को स्टेट्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं? क्या हम ऐसा उठा देते हैं कि नहीं अमेरिका एक तरफ रख दिया, एक तरफ रख दिया इंडिया को, तो ऐसे क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, अमेरिका हेल्थ इश्यूज में अच्छा है, अमेरिका के पास उसकी जीडीपी अच्छी है, उसका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, इंडिया के पास उतना अच्छा नहीं है, या इंडिया की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, अमेरिका की बहुत कम है। इस हिसाब से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। मतलब जो सही तरीका है ना वो ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगर हम आपकी क्लास की बात करें, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। अगर हम हमारी क्लास की बात करें तो क्लास में हम बच्चों को कंपेयर करना हो तो हम किस किस फैक्टर्स पे बच्चों को कंपेयर कर सकते हैं? आपके क्लास के स्टूडेंट्स को कैसे कंपेयर करेंगे? हाइट वाइज कर सकते हैं, वेट वाइज कर सकते हैं, एंड बच्चों के लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक फैक्टर उठा लिया कि किसको सब्जेक्ट उठा लिया, सब्जेक्ट के लाइकिंग पे हम लाइकिंग के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं, किसको SST पसंद है, किसको साइंस पसंद है, किसको मैथ्स पसंद है, इस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारी कंट्रीज और स्टेट्स भी कंपेयर होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम। कैपिटा होगी, कैपिटल नहीं होगा, पर कैपिटा इनकम। तो पहला पॉइंट क्या है, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम पर कैपिटा इनकम की वजह से भी कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। सेकेंड, हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। देखो, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम सिविक्स फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इनवर्सली प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल, तो इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि पर कैपिटा इनकम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कंट्रीज पॉपुलेशन। कि अगर जैसे जैसे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, नेशनल इनकम कम होगी तो पॉपुलेशन भी कम होगी, है ना। तो ये भी हमारा फैक्टर थोड़ा गलत प्रूव होगा, क्योंकि ऐसे तो किसी किसी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में 130 करोड़ पॉपुलेशन है, अमेरिका में इतनी नहीं है, अमेरिका में इससे कम है, तो ऐसे नहीं हम कंपेयर कर सकते हैं ना। थर्ड पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। पर कैपिटा इनकम को हम कैलकुलेट करके और उस पूरी कंट्री की टोटल इनकम को कैलकुलेट करके हम डिवाइड करके हम उसकी पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसका फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊं थोड़ा सा, तो क्या बोलेंगे हम कि पर कैपिटा इनकम, पर आई एम सो सॉरी इधर लिखती हूँ साफ साफ, पर कैपिटा इनकम कैसे आएगी पूरी कंट्री की? फर्स्ट हम क्या करेंगे, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री। तो जो इनकी इनकम है, इनकम अपॉन पॉपुलेशन, ये होगा हमारा पर कैपिटा इनकम का एक बेसिक फॉर्मूला जिससे हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है,
थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शोज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम अच्छी है तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका सिटीजन्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस पर कैपिटा इनकम। क्योंकि पर कैपिटा इनकम भी एक फैक्टर होता है डेवलपमेंट का, तो जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी वो डेवलप ज़्यादा होगी, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम कम होगी वो कंट्री कम डेवलप होगी। नेक्स्ट क्विज क्वेश्चन, अगेन क्विज क्वेश्चन क्या है इसका भी आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है नीचे। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड डैश फॉर ऑल कंट्रीज, किस में कैलकुलेट होती है पर कैपिटा इनकम, पाउंड्स में, यूरोज में, डॉलर्स में और रुपीज में? फटाफट आंसर्स कमेंट्स में। नेक्स्ट, व्हाट इज एवरेज इनकम, एवरेज इनकम हम पढ़ने वाले हैं। एवरेज इनकम से हम क्या पता लगाते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है व्हाट वी कैन से, एवरेज का मतलब होता है बीच का, मतलब 50-50% हम कह सकते हैं ना। हम एवरेज मैथ्स में भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं किसी चीज़ को, जो चीज़ हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय टू कर देते हैं। तो मतलब किसी भी 100% का 50% उसका एवरेज होता है, ये हम कह सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज एवरेज इनकम, इज एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, इनकम नॉट इनकम्स, इट इज इनकम, इट इज यूज्ड मोर देन इवैल्यूएटिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, इट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मनी अर्न फ्रॉम पर पर्सन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ सर्टेन ईयर। एवरेज इनकम कैसे निकलती है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, कैसे निकलती है, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को इवेल्युएट करके हमारी एवरेज इनकम निकलती है। मतलब किसी कोई इंसान उस कंट्री में कितना कमाता है साल में, वो होती है उसकी एवरेज इनकम, ठीक है। और इस एवरेज इनकम के बेसिस पे ही हम किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम को डिसाइड करते हैं। मतलब पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ओके, सो नाउ जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम वन मार्कर क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं, तो वो वन मार्कर क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये आपको हर सेशन में मिलेंगे। सो एक भी सेशन आप मिस मत कीजिएगा, आपको हर चैप्टर के वन मार्कर क्वेश्चंस, क्विज क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पूरी समरी चैप्टर की, पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं ये वन मार्क का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, डिफाइन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को हमें डिफाइन करना है। तो नेशनल इनकम मैंने अभी पहले बताया था आपको कि नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री प्लस नेट इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शंस लाइक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ अदर कंट्रीज। नेशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो नेशनल इनकम वो होती है जो पूरी कंट्री की टोटल होती है। जैसे हमने थ्री सेक्टर्स पढ़े थे नाइन्थ क्लास में, या बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम, एट सिक्स सेवेंथ में पढ़े होंगे आपने, कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। तो ये थ्री सेक्टर्स होते हैं जिसके जिन तीनों के सेक्टर्स का जो सम होता है, टोटल होता है, वो हमारा नेशनल इनकम होती है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में कितना हमें प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना उसमें इनकम आई, फिर सेकेंडरी सेक्टर में कितना, मतलब पूरा सम, जैसे इसमें मान लीजिए 10 लाख आया, फिर इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सबसे ज़्यादा आता है तो 50 लाख इसमें आया, फिर टर्शरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर होता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे प्रोडक्ट्स का, तो मान लीजिए उसमें से 35 लाख आया, ठीक है, ये हमारा टोटल आया। अब हम इसमें कंट्री का नेशनल इनकम कैसे डिफाइन करेंगे, इन सबको हम ऐड करते जाएंगे, इन सब का सम करेंगे कितना आएगा,
टेन प्लस फिफ्टी प्लस 35 कितना हुआ? 95 लाख। तो 95 लाख हमारी हो गई नेशनल इनकम। मतलब इतनी नहीं होती, इतनी कम नहीं होती, मगर ये मैंने एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया है आपको, ठीक है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, डिफाइन जीडीपी। जीडीपी का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक पॉइंट आपको क्वेश्चन का बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फुल फॉर्म बता दीजिए, फिर फुल फॉर्म के बेसिस पे आप उसके बारे में क्या जानते हैं वो आप एक लाइन में लिख दीजिए, तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन इज ऑल खत्म। बस इतना ही करना है। और ये 2012 का क्वेश्चन है, तो सीबीएसई का भी क्वेश्चन है ये, तो इसको तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज को क्लासीफाई करने के लिए वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरियन यूज करता है? वर्ल्ड बैंक यूज करता है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था। एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम से हम किसी भी कंट्री का किसी भी कंट्री को जज कर सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट को जज कर सकते हैं पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम। ये भी 2012 का क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और शायद ये आ भी सकता है। देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में हमसे, कि जो टोटल कंट्री टोटल इनकम होती है कंट्रीज की, वो क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए कंट्रीज में? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, तो हो सकता है कि उसकी इनकम भी ज़्यादा हो। जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है तो हो सकता है उसकी जो इनकम है वो भी कम हो, है ना। तो इसलिए हम ये क्राइटेरियन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो द आंसर देख लेते हैं, द टोटल इनकम ऑफ कंट्रीज इज यूज टू मेक कंपेरिजन इज नॉट यूज टू मेक कंपेरिजन बिटवीन देम बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट एंड डज नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर इफ कंपेरिजन आर मेड ऑन दिस बेसिस। मतलब एक क्लियर पिक्चर नहीं देती है उसको, हो सकता है कोई मैंने पॉपुलेशन और इनकम का हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इनकम और वाइस वर्सा। क्वेश्चन नंबर 5, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन विच एज ग्रुप। 2012 का क्वेश्चन है सीबीएसई का, कि लिटरेसी रेट मेजर किस ग्रुप में करता है। एज ग्रुप ऑफ 7 इयर्स एंड अबव मेजर्स प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज द लोएस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट। किस स्टेट में इंडिया की सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है? केरला। अच्छा, इन्फेंट मोरालिटी रेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि किस स्टेट में इंडिया की लोएस्ट इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है, तो वो होती है केरला। ओके, नाउ Thank you for this session. If you liked my video, please like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. And जो मैंने आपसे अभी पीछे quiz questions पूछे थे उनका आप answer बिल्कुल से दे दीजिएगा comments में, okay? So I'll be checking all the answers in the comments. So do attempt it. Thank you for this session. Bye.